तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई का जो आपका एग्जाम आने वाला है उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि बच्चों के मन में कंफ्यूजन ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अफवाह चीज़ें सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एडिट करके वायरल किया जा रहा है। जैसे कि बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम एयरफोर्स का कैंसिल हो सकता है, नहीं होगा। आपको बता दें कि ये सब जो बकवास चीज़ आपको सोशल मीडिया पर एडिट करके जो वायरल किया जा रहा है, इन पर आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको बस ध्यान कहाँ देना है, एयरफोर्स का जो CSB का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको विजिट करते रहना है। अगर कोई अपडेट वहाँ पर आपको देखने को मिलता है तो उसी चीज़ को आपको फॉलो करना है, बाकी के बकवास चीज़ पर आपको ध्यान नहीं देना है। और एक चीज़ इस वीडियो में एक और हम बात बताएंगे, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका ये लास्ट अटैम्प्ट था, यानी कि ये जो वैकेंसी है एयरफोर्स का उनका ये लास्ट अटैम्प्ट है, क्योंकि ओवर एज अगला बार उनका हो जाएगा, तो ये लोग डर के मारे सोच रहे हैं कि क्या ये अगर एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो मेरे कैरियर पर पानी ही फिर जाएगा, सारा जो तैयारी किया हुआ चीज़ था वो भी बर्बाद हो जाएगा, जितना हम लोग पढ़ाई में मेहनत की वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपको बता दें कि एयरफोर्स आपका एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर सकता है, लेकिन आपका जो वैकेंसी है ये वैकेंसी जो आया है ये कैंसिल नहीं होगा। इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा कि वैकेंसी ये जो आ गया है ये कैंसिल नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे क्या हुआ कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका लास्ट अटैम्प्ट है, पूरा कैरियर पर उनका पानी फिर जाएगा, जितना उनका तैयारी किया हुआ जितना पढ़े हैं सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो एयरफोर्स कतई नहीं करने वाला है ये कि आपका ये वैकेंसी कैंसिल कर देगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है आपका। बस इंतज़ार करिए 17 तारीख का, क्या ये लॉकडाउन 17 तारीख को ख़त्म होगा या नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये आपका जो लॉकडाउन है अंतिम लॉकडाउन आपका ये चल रहा है, इसके बाद शायद ही आपका लॉकडाउन आगे बढ़े। तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जो 29 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया है, तो एग्ज़ाम तो मई में बिल्कुल नहीं होने वाला है। जब होगा तो आपका या तो लास्ट वीक ऑफ जून में आपका एग्ज़ाम हो जाए एयरफोर्स का, चाहे ये एग्ज़ाम आपका 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में एयरफोर्स आपका ये एग्ज़ाम ले ले, ठीक, क्योंकि अगला इनटेक को भी देखना है तुरंत जुलाई में, उसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है अगस्त, सॉरी आपका सितंबर में उसका भी एग्ज़ाम हो जाता है। तो आपको बता दें कि अब ये जो टेंशन देखिए बढ़ेगा, यहाँ पर क्या है कि सामने दूसरा इनटेक भी दिख रहा है, ये एग्ज़ाम को भी लेना है, ठीक, रिजल्ट तो काफ़ी फास्ट आएगा, इतना बात को आप लोग मानकर चलिएगा। एग्ज़ाम होने के बाद आपका 24 दिन के बाद एयरफोर्स रिजल्ट को बताता था, लेकिन इस बार आपका बहुत ही जल्द रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा ये एग्ज़ाम बिल्कुल 100% आपका या तो जुलाई में हो जाए या तो लास्ट वीक ऑफ जून में एयरफोर्स ले ले, क्योंकि मेरे ख्याल से ये लॉकडाउन पर ही निर्भर कर रहा है। अगर सारे स्टेट में लॉकडाउन खुल जाता है, हल्का फुल्का भी छूट अगर हर स्टेट में दे दिया जाता है, तो एग्ज़ाम आसानी से ले लिया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एग्ज़ाम को ले लिया जाएगा, ठीक, भले ही ये 4-5-6 शिफ्ट में क्यों ना हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम आपका कैंसिल नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम आपका जुलाई या तो जून में पक्का हो जाएगा, ये बात को आप लोग मानकर चलिएगा। जैसे कि देखिए रमेश पोखरियाल जो कि आपका भारत के जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, यानी कि आपका शिक्षा मंत्री है, भारत देश के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, यहाँ पर लंबे समय से जो देखिए यहाँ पर जो CBSE का एग्ज़ाम था जो नहीं होने वाला था उस एग्ज़ाम को भी यहाँ पर कराया जा रहा है। इन परीक्षाओं का जो डेट है देखिए 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में CBSE अपना एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहा है, तो एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्यों नहीं कंडक्ट होगा, माइंड लगा सकते हैं आपका। जब CBSE एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकता है, बारहवा क्लास का जो आपका एग्ज़ाम है, 12th क्लास का जो एग्ज़ाम है ऑल इंडिया, आपको मालूम हो कि CBSE का जो एग्ज़ाम है ऑल इंडिया, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आपका जो एग्ज़ाम है एयरफोर्स या तो जुलाई में कंडक्ट कर ले या तो आपका लास्ट वीक ऑफ जून में कंडक्ट कर ले, यानी कि जुलाई से आगे एग्ज़ाम नहीं जा सकता है आपका, ये या तो जुलाई में एग्ज़ाम हो जाए या आपका लास्ट वीक ऑफ जून में हो जाए। अब यहाँ पर क्यों, क्योंकि देखिए जो CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम है 15 दिन के अंदर आपका ख़त्म कर लिया जाएगा, बहुत ही जल्द इसका रिजल्ट भी घोषित करने वाला है। या अगर आप नहीं देखें तो रमेश पोखरियाल का ट्वीट जाकर आप देख सकते हैं ट्विटर पर, क्योंकि हम यहाँ पर हमेशा अपडेट रहते हैं, यही चीज़ देखते हैं कि क्या चीज़ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है एयरफोर्स का बिल्कुल आपका जुलाई में 100% ये लिख कर रख लीजिए, आपका 100% एग्ज़ाम आपका जुलाई में एयरफोर्स कंडक्ट कर लेगा या तो लास्ट वीक ऑफ जून में कंडक्ट कर ले, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल
करना क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराकर आपका एग्जाम एयरफोर्स आसानी से ले सकता है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पर अगर ज़्यादा भीड़ रहेगा तो शिफ्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि 5 से 6 शिफ्ट में आपका एग्जाम हो सकता है। तो जो कुछ भी रूल होगा उसको फॉलो करके आपको यानी कि एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन आपका एग्ज़ाम है बिल्कुल होगा, कैंसिल नहीं होगा ये एग्ज़ाम जो है, या तो जुलाई या तो लास्ट वीक ऑफ जून में इसको ले लिया जाए। और यहाँ पर देखिए कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर देंगे। बस अब आपके लिए जो टाइम है 1 से 2 महीना आपके लिए टाइम बचा हुआ है। यहाँ पर अगर अभी तक आप तैयारी नहीं किए हैं तो रिवीजन वगैरह कर लीजिएगा, और जो भी अपडेट आएगा हम आपको बिल्कुल देंगे। जिनका भी ये लास्ट अटैम्प्ट है बिल्कुल आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम आपका कैंसिल नहीं होगा, यानी कि वैकेंसी कैंसिल ही नहीं होगा, इतना आप लोग मान कर चलिएगा, क्योंकि ये रियल अपडेट है, कोई फेक वगैरह नहीं है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का अपडेट हम देते रहते हैं, जो कि यानी कि 100% आपका एग्ज़ाम के यानी कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही सब कुछ रहता है। तो आपको करना क्या है कि चैनल पर अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको हर नोटिफिकेशन जल्दी मिलता रहेगा।